हे गाइस, आज की न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के रिगार्डिंग एंड ट्रैवल के रिगार्डिंग आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जब आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो काइंडली प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको न्यू अपडेट्स इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग मिलती रहती है। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो फर्स्ट अपडेट है उसकी बात करें तो ड्रॉप इन इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशंस। ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, ठीक है, वो है मतलब क्लोज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए उनकी जो एप्लीकेशंस है ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ड्रॉप हो चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं। जो पिछले साल हो रही थी, ठीक है, अप्लाई उससे बहुत ही कम हो चुके हैं, जो कि घाटा पड़ रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को। जो नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के, आपको पता ही है, जैसे 80% फुली वैक्सीनेशन हो चुके हैं फुली ऑस्ट्रेलिया में, जो माइलस्टोन था उन्होंने अचीव कर लिया है। अब उनके अकॉर्डिंग टू नेशनल प्लान, जैसे स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के पीएम बोलते हैं कि भाई हम नेशनल प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो उसमें, ठीक है, जो उनका फेस सी था उसमें लास्ट में आप देख सकते हैं स्टूडेंट वर्क एंड ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा होल्डर्स कैन रिटर्न विद हाई कैप्स, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, वर्क वीज़ा होल्डर्स, ठीक है, कि रिटर्न करेंगे हाई कैप्स, मतलब ज़्यादा नंबर्स में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रिटर्न करेंगे। अब 80% का इनका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जल्द इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्क वीज़ा होल्डर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए जो ट्रैवल करेंगे। और जो नेक्स्ट अपडेट है, जैसे कैबिनेट मीटिंग हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें आया था कि जो न्यू साउथ वेल स्टेट है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है, विक्टोरिया, उसका ट्रैवल स्टार्ट होगा फॉर फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स। उसमें एक अपडेट था कि भाई जो फुली वैक्सीनेटेड होगा इन तीनों स्टेट में, उसको, ठीक है, दोनों स्टेट एंड टेरिटरी में कोई क्वारंटाइन वगैरह नहीं करना पड़ेगा, फ्री क्वारंटाइन करना पड़ेगा कोई भी हो फुली वैक्सीनेटेड, चाहे वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट के लिए भी जो फुली वैक्सीनेटेड स्टूडेंट है इन स्टेट्स में जाएगा, उसको कोई क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। वीज़ा होल्डर होगा उसको भी कोई क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलियंस को तो करना ही नहीं पड़ेगा, परमानेंट रेजिडेंट को भी कोई क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। और यही थे आज के छोटे से स्मॉल से अपडेट, न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई भी अच्छा अपडेट या स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग और अपडेट रिटर्न के रिगार्डिंग अपडेट आता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते कुछ न्यू अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ।